पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासत जारी है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और हैदराबाद से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। औरंगाबाद में आयोजित एक सभा में अकबरुद्दीन ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा, मैं यहाँ किसी को जवाब देने नहीं आया हूँ, न ही किसी को बुरा कहने आया हूँ, न ही मैं किसी को जवाब देना चाहता। मेरे पास एक सांसद है और तुम तो बेघर हो, लापता हो, अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए हो। मैं कहूँगा कि जो भोगते हैं उन्हें भोगने दो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि देश में नफरत की बात हो रही है, लेकिन वह नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि देश में आज अजान की बात हो रही है, लिंचिंग और हिजाब की बात हो रही है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस मुसलमानों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। आपको बता दें, अकबरुद्दीन ओवैसी कल खुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र का दौरा किया और फूल चढ़ाए। उनके साथ औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान भी थे। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास करने औरंगाबाद आए थे। इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे रेलवे स्टेशन में बम जैसी चीजें पाई गई। बम निरोधक दस्ता स्टेशन पहुंच गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को खाली करवा दिया गया। सुबह 10 बजे की घटना है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अमिताभ गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह 10:30 बजे रेलवे स्टेशन में संदिग्ध वस्तु पाई गई। जो चीजें मिली है वो जिलेटिन नहीं है, फिलहाल जांच का काम शुरू है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर इलाके में वन विभाग के कर्मियों ने शुक्रवार को तड़के एक मादा तेंदुओं को बेहोश कर पकड़ लिया। एक अधिकारी ने बताया कि मनुष्य पशु के टकराव की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा कुछ वन्य कर्मियों को कुछ घंटों तक बंधक बनाए जाने के बाद मादा तेंदुओं को पकड़ा गया। इलाके में पिछले कुछ महीनों में तेंदुओं के हमले की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों के बीच घबराहट और अशांति पैदा कर दी थी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई में एक जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आदित्य ठाकरे ने घोषणा की कि सरकार मुंबई के बुनियादी ढांचे के लिए एक एकल एजेंसी शुरू करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई के प्रमुख के तौर पर महापौर का अधिकार बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई जैसे शहर को किसी सीईओ की बजाय जनता से चुने हुए महापौर के जरिए चलाना ज्यादा बेहतर होगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, डी गैंग पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है। एनआईए ने शुक्रवार को दाऊद गैंग के 2 सहयोगी आरिफ शेख और सब्बी शेख को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में हुई है। दोनों डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और टेरर और फंडिंग जैसे कामों में शामिल थे। इनमें से आरिफ शेख अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का जीजा बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बावजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आश्वासन दिया है कि वर्तमान में चौथी लहर के उभरने का कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए संक्रमण बड़े पैमाने पर 2 से 4 जिलों तक ही सीमित है। ये बयान ऐसे समय में आया जब ही इस महीने महाराष्ट्र में रोजाना के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नए मामलों में इन जिलों में एक छोटे समूह तक सीमित है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि राज्य में फिलहाल कोरोना की चौथी लहर नहीं आ रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की। शरद पवार ने कहा, पाकिस्तान की आम जनता शांति से रहना चाहती है, वहाँ कुछ ही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पाकिस्तान के आम लोग हमारे विरोधी नहीं हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं और सेना की मदद से सत्ता पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, वे संघर्ष और नफरत का पक्ष लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं। आज अकबरुद्दीन ओवैसी पर संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, वह बार बार आते हैं महाराष्ट्र को चिढ़ाने के लिए, वो बार बार औरंगजेब के सामने सर झुकते हैं, महाराष्ट्र में अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं,
औरंगजेब एक आक्रमक था, कोई सूफी संत नहीं था। उसने महाराष्ट्र के मंदिरों को ध्वस्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके साथ संघर्ष किया। आप उसी महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र में चादर चढ़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को चिढ़ाएंगे, तो याद रखिए औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र ने ही खोदी थी। आप उस कब्र में सर झुका रहे हैं, आपका भी वही हाल होना है। आपको भी एक दिन उसी कब्र में जाना है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने बीते गुरुवार को महाराष्ट्र के 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव योजना की घोषणा कर दी, वहीं अब इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के 24 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें अब खाली हो रही हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के सर्वे पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी सिंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर यथा स्थिति संबंधित अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। क्या है उसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं और क्या बोलेंगे? ये जो हैदराबाद का निजाम है, ये कल महाराष्ट्र में आया था और औरंगजेब के कब्र पे जाके नतमस्तक हुआ। महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान, ये तो कोई औरंगजेब के कब्र पे जाता नहीं। तो आप कौन हो ये आपने महाराष्ट्र को और पूरे देश को बता दिया। और ऐसे भेड़ियों को महाराष्ट्र में हम लांडगे कहते हैं, तो ऐसे लांडगे महाराष्ट्र पे आक्रमण करे तो भी हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम स्वराज्य रक्षक के वंशज हैं। आप अगर निजाम और मुगल के वंशज हो ना, औरंगजेब के वंशज हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी चारों दिशा से स्वराज्य पे आक्रमण हुआ था, निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही और मुगल। लेकिन उन सबको भी स्वराज्य के जो आज के मराठी मावले हैं, तभी के मराठी मावले थे, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो आज भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और जब तक वो नतमस्तक होके वो औरंगजेब के कब्र से उठेंगे और समझ पाएंगे कि कुत्ता कौन और शेर कौन, तब तक तो शेर उनका शिकार कर चुका होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों का ये महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ने पे एक एमपी और एमएलए को राजद्रोह का गुनाह दाखिल करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, और औरंगाबाद संभाजीनगर में ओएसी बंधु जाके औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाते हैं, तो मुझे उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है, इस महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई में कल आपकी सभा है, अगर आप हिंदुत्व का नारा देते हैं तो उस सभी की शुरुआत श्री राम भगवंता बजरंग बली और हनुमान चालीसा का पाठन कर आप सभी की शुरुआत करेंगे कि संभाजीनगर में औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाने जाएंगे? ये महाराष्ट्र का, देश के हिंदू का आपको एक सवाल है। औरंगजेब के मजार पे अकबरुद्दीन ओवैसी गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाप के मजार पे अगर बेटा जाता है, हमें क्यों दिक्कत हो भाई? लेकिन इतना हम बताते हैं, जिस तरीके से औरंगजेब को महाराष्ट्र के मिट्टी में गाड़े थे, उसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ राजनीति भी इसी मिट्टी में गाड़ेंगे। और ये कुत्ता कितना भी भौंकने दो और भौंकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भौंकते हुए कुत्ते के गले में पट्टा कैसे बांधना है ना, ये हमको बखूबी मालूम है।